हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव, कृष्ण कृष्ण हरे राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री गौर निताई की जय। श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री बृहद भागवत अमृत के पहले भाग के सातवें अध्याय से श्रवण कर रहे थे।
हमने देखा था कि किस प्रकार से, सुना था किस प्रकार से कृत्रिम वृंदावन बनाया जो केवल रोहिणी को पता था। ब्रह्मा जी ने एक कृत्रिम वृंदावन बनाया क्योंकि भगवान जो है वृंदावन के दुख में बहुत व्याकुल थे। तो कृष्ण उस समय अर्ध चेतन अवस्था में थे, उनका जब नींद खुला तो उन्होंने बोला कि मैंने स्वप्न में बहुत सुंदर स्वप्न देखा आज, मैंने द्वारका का सपना देखा। ये जब वर्णन कर रहे थे इस बीच में तो गरुड़ जी चुपचाप कृष्ण और बलराम को उठा के उस कृत्रिम वृंदावन जो विश्वकर्मा ने बनाया था द्वारका में, उसमें ले गए थे। बलराम जी को तो चेतना आ गई थी लेकिन कृष्ण की चेतना भी खुली नहीं थी। कृष्ण जब नींद खुला तो उन्होंने बोला मैं कहाँ हूँ, सामने यशोदा मैया को देखा। हालांकि वो सब असली नहीं था, कुछ भी वो सब असली नहीं था। परीक्षित महाराज कहते हैं इस प्रकार बोलने के बाद में कृष्ण ने अपनी माता को देखा सामने तो उनको प्रणाम किया। तो रोहिणी को लगा कि अभी उनको कुछ भोजन चाहिए। तो रोहिणी ने वन में जो होते हैं भगवान सिंपल चीज खाते हैं, राइस और दही, सिंपल थिंग, राइस और योगर्ट। अब हमें रोहिणी क्या बोलती है ये सुनते। श्री रोहिणी वाच भो वत्स तव माताद्य तन्निद्रा अधिक चिंतया त्वदेक पुत्र दुस्थवे तदलं बहुवार्तया। रोहिणी कहती है फिर प्रिय बालक, कृष्ण से बोलती है प्रिय बालक आपकी माता का तो आपके सिवा कोई पुत्र नहीं है, तो आप जब इतना ज्यादा सोए थे तो माता को चिंता हो गई। अब वो थोड़ा सा अपने आप को बीमार महसूस कर रही है, इसलिए हमने बहुत बात कर ली है। अब अग्रतो निस्त्रवा गास्त्वम गोपां शंशुरा द्रुतम मयो पश्य कृता सद्भोग्यम वन मध्ये प्रहश प्रहेश्यत। जो गाय हैं और जो ग्वाल बाल हैं जो उनको चराने, वो ऑलरेडी चले गए हैं, तुम भी उनके पीछे चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भोजन बना देती हूँ और मैं तुम्हें उसको वन में भिजवा दूंगी। आगे 37-38 श्लोक में श्री परीक्षित वाच तथा वदन्तीं सुस्निग्धां रोहिणी चा बिवद्वाद्य स स्थितं करतले मत मातुर नवनीतं सनेर बसन नवनीतं सनेर हसन चोरियणेव समादाय निज ज्येष्ठं समाह्यन अप्राप्यग्रे गवां संगे गतं न बुभुज बुभुजे घृणी। परीक्षित कहते हैं कृष्ण ने रोहिणी माता को अपना सम्मान दिया, रोहिणी माता ने उन्हें बहुत प्रेम से बोला था, फिर अपने मुख पर मुस्कुराहट लाके चोर के समान माता यशोदा से वो मक्खन ले लिया। माता यशोदा तो खड़ी थी इस मक्खन को लेके, हालांकि वो असली वाली नहीं थी।
लेकिन कृष्ण तो अभी वृंदावन लीला मोहित तो माता से छीन लिया वो, और उसके बाद वो अपने भाई के साथ चला गया। कृष्ण अपने भाई के साथ चला गया उनका नाम पुकारते। कृष्ण इतने उदार थे कि उन्होंने अपना माखन नहीं खाया जब तक वो गायों के पास नहीं पहुंच गए। कृष्ण ऐसा लगता है कि कृष्ण का इतना सहयोगी उत्तर था कि उन्होंने माता यशोदा के शब्दों को उतना ही स्वीकार करते थे जितना माता रोहिणी के शब्दों को उतना ही स्वीकार करते थे जितना माता यशोदा। उन्होंने रोहिणी से कहते हैं, मैं तुम्हारे चरणों पे झुक के प्रणाम करता हूँ, और उसके बाद उन्होंने उनको प्रणाम किया। विश्वकर्मा जो जिन्होंने ये नकली वृंदावन बनाया था, वो जानते थे कि कृष्ण जो है फ्रेश बटर को बहुत प्रेम करते हैं माता यशोदा से, इसलिए माता यशोदा के हाथ में उन्होंने फ्रेश बटर की कटोरी रख दिया। विश्वकर्मा ने माता यशोदा की जो विग्रह बनाया था उसी को देख के बनाया। जब कृष्ण जो है रोहिणी और यशोदा के साथ लगे हुए थे, तो बलराम ने सोचा कि कृष्ण वापस अपनी सामान्य अवस्था में आ गए हैं, तो बलराम ऑलरेडी आगे चले गए थे। उनका एक और भी रीजन था, कारण था कृष्ण को पीछे छोड़ने का। जैसे कृष्ण गोपियों से मिल सके फ्रीली। अगले श्लोक में था, भोग्यम आद्याहिकम चाटु पाटवेन शमातरो संप्रार्थ्य पुरुतो गत्वा गोपी संभाष्य नर्म भी। अपने बहुत सुंदर शब्दों में, आनंद देने वाले शब्दों में कृष्ण ने अपनी दो माता से पूछा कि उनके लिए वो लंच तैयार कर दें। उसके बाद वो प्रस्थान किया, और रास्ते में उन्होंने कुछ गोपियों से मिले और कुछ उनसे जोकिंगली वार्तालाप किया। कृष्ण का जो सीधा साधा तरीका है मांगने का, इससे उनकी माता को आनंद मिलता था। कृष्ण की जो सारा डीलिंग था इस ब्रज धाम में केवल अपने भक्तों को आनंद देने के लिए था। रुंधानो मेनु नादेर्गा वर्तमानं सहलिभि राधिकाम अग्रतो लब्ध्वा सनर्म स्मितम अब्रवीत। आगे बोलते हैं परीक्षित महाराज, जैसे कृष्ण चलने लगे अपनी बांसुरी बजाते हुए, गाय भी साथ में चलने लगी, तब उनको रास्ते में राधा रानी मिली, अपने गोपियों के साथ जा रही थी। कृष्ण ने उनको अपनी बहुत चतुराई वाले वाक्यों से और अपनी आकर्षक मुस्कुराहट से प्रसन्न कर लिया। कृष्ण जब जा रहे तो पहले ग्रुप जो था उससे मिले, वो चंद्रावली का था। थोड़ी देर बाद जब जा रहे थे कृष्ण आगे गए, तो राधिका और उनके फ्रेंड के उससे मिले। तो इसका मतलब है कि जब गोपियों ने पहले अपने अपने घर छोड़े थे, वो अपने अपने ग्रुप में चली गई थी ये देखने के लिए किस प्रकार से कृष्ण जो है वन में जा रहे हैं। तो मथुरा की जो गोपियां हैं, लेडीज हैं, मथुरा की स्त्रियां हैं, उन्होंने देखा कि यंग गोपीज जो हैं कृष्ण को, कुछ युवा गोपियां कृष्ण को देखने जा रही। तो जो
यहाँ पे बताते हैं कि प्रतार व्रजात व्रजत अभिस्तस्य सायं गोभी समन बनाया तो अस्य नियमाय वेणु निर्गत्य तुर्णम अबला पते भूरि पुण्य पश्यन्ति सस्मिता मुखम सद्यावलोकम। ये सुन के कि कृष्ण किस प्रकार से जो है अपनी बांसुरी को बजा रहे हैं, वो सुबह ब्रज में को छोड़ के मॉर्निंग में जाते थे अपनी गायों के साथ में, और सनसेट सूर्यास्त के समय वो वापिस आते थे। तो तब ये जो यंग गोपियां हैं, युवा गोपियां हैं, उनको देखने के लिए तुरंत तो घरों से बाहर निकल जाती थी। आगे इन गोपियों ने कितने कितने जन्मों तक तपस्या की होगी, कितने पुण्य कर्म किए होंगे कि कृष्ण को इस प्रकार से देख पा रही हैं, और कृष्ण का प्रसन्न होता हुआ चेहरे को देख रही कि किस प्रकार से वो उनके ऊपर कृपा दृष्टि कर रहे हैं। अभी नंद नंदन बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं उन गोपियों को देख के, प्राणेश्वरी रह प्राप्तम भक्तम एकाकिनम च माम संभाषसे कथम नाद्य तत्किं व्रतासि मानिनी। नंद नंदन कृष्ण कहते हैं, तो मेरी आत्मा की नेत्री, ओ मिस्ट्रेस ऑफ माई सोल, मेरी आत्मा की नेत्री राधा रानी से बोलते हैं, आप मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? तुम्हारा जो भक्त है ये कृष्ण, ये तो तुमसे अभी एकांत स्थान में मिल रहा है, तुम इतनी व्यस्त क्यों हो? मेरी गर्वित मिस्ट्रेस, तुम इतनी गर्वित क्यों? अपराधम मया किम ते नूनम ज्ञात महोत्वा सर्वज्ञे सर्वज्ञे दयंत स्वप्ना व्रतम तत्तन मामखिलम। मैंने तुम्हारे प्रति क्या अपराध किया है? ओ सर्व सर्वोपस्थित, तुम तो उस सर्वज्ञानी, तुम तो सब कुछ जानती हो कि आज मेरे स्वप्न में क्या हुआ। तात्पर्य, कृष्ण सोच रहे हैं कि आज कोई ऐसा कारण तो नहीं है कि राधा रानी मेरे ऊपर क्रोधित हो। सो कृष्ण ने मन में सोचा है कि वो राधा रानी इसलिए उदास है, इसलिए नाराज है, क्योंकि मैं कृष्ण से इसलिए नाराज है कि कृष्ण ने आज मॉर्निंग में कोई स्वप्न देखा। हो सकता है राधा रानी जानती हो, राधा रानी जानती हो कि कृष्ण का कैसा सपना आया। कृष्ण राधा रानी तो भूतकाल भी जानती है, वर्तमान काल भी जानती है, और भविष्य काल भी जानती है। ये भी जानती होगी कि मैंने क्या सपना देखा है, और मैंने अपनी माता को सपने के बारे में क्या बताया है, और राधा रानी को इस सपने के बारे में क्या बता रहा। तो कृष्ण जो है
अपने ये विचार राधा रानी को व्यक्त करने लगे कि राधा रानी का टेंशन, राधा रानी अपने क्रोध से बाहर आ जाए। लेकिन अभी राधा रानी को उन्होंने देखा कि स्टैचू के समान, मूर्ति के समान खड़ी हुई है। उससे वो उदास नहीं हुए, क्योंकि भूतकाल में भी उनकी जो गोपियां हैं उन्होंने भी ब्रज में इसी प्रकार की क्रियाएं की थी। जब जो है कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम को देख के स्तंभित रह गई थी, पहले भी इस प्रकार नाराज होती थी, और इस प्रकार से सबकी गोपियों की, जब कृष्ण जोकिंग करते थे, जोक करते थे, मजाक करते थे, हंसी मजाक करते थे, तो जो है सब लोग उनकी इस हंसी मजाक की चतुराई से शॉक हो जाते थे। और अभी इस वर्त समय जो एक अलग मूड है, वो कृष्ण कल्पना करें कि राधा रानी उनसे बात नहीं करी क्योंकि राधा रानी क्रोधित थी। लेकिन ये वास्तव में तो राधा रानी नहीं थी, तो राधा रानी की स्टैच्यू थी, क्योंकि जो बनाया था वृंदावन उसमें कृत्रिम वृंदावन था, कृत्रिम वृंदावन था, असली वृंदावन नहीं था। तो वास्तव में कोई बोल नहीं पा रहा था, सब स्टैच्यू थी। आगे त्वां विहाय, त्वां विहाय यान्तो गत्वा विवाह बहव कृत तासां क्षितिपा पुत्री नामा उद्यातानां मृतिं प्रति पुत्र पौत्राद्वयस्तत्र जनिता दूरवर्तिना। कृष्ण बोलते हैं राधा रानी से, मैंने तुमको छोड़ दिया, मैं कहीं और गया था, मैं तुमको छोड़ के कहीं और गया था, और मैंने कई राजकुमारी से विवाह कर लिया जो तो अपना जीवन खत्म करने वाली थी। मैंने कई पुत्रों का मैं पिता बना, मैं कई पोतों का दादा बना, और कईयों का परदादा बना मैं। तात्पर्य कृष्ण ने 16,000 रानियों को बचाया था जो भौमासुर के द्वारा अपहरण कर लिया गया था, पर वो लोग कृष्ण को केवल धन्यवाद नहीं दे सके और अपने अपने परिवार में वापस चले गए, क्योंकि ये लोग अपने व्यक्ति के घर में रुके थे, तो कोई भी जो है रिस्पेक्टेबल, कोई भी सम्मानीय राजकुमार कभी भी उनसे विवाह नहीं करेगा। कृष्ण ही केवल उनको इस लज्जा पूर्वक लज्जा से बचा सके, अदरवाइज वो सारी कन्याएं अपना जीवन खत्म कर लेती। सो केवल वही थे जो इतनी सारी कन्याओं को एक साथ विवाह कर सके। अस्तुम तावदी, अस्तुम तावद इदानिम तद गम्यते त्वरया वने संतोष दे प्रदोषयद्य मया त्वं मोद यशस्य। फिर भी मैं तो अभी, मुझे तो अभी आगे जंगल जाना है। आज संध्या के समय हे राधा रानी, आज संध्या के समय आप मेरे साथ आनंद प्राप्त करोगे। परीक्षित महाराज कहते हैं, इत्थम सपुष्प विक्षेपम वदन दृष्टा दिशो अखिला तम स चुम्बनम आलिंगन गो गोपी संगो ग्रतः। परीक्षित महाराज कहते हैं, इस प्रकार बोल के कृष्ण ने राधा रानी के ऊपर कुछ पुष्प फेंके, आसपास देखा, और उसके बाद में उनको गले लगाया और चुंबन किया।
इस प्रकार से वो करके आगे फिर गायों और ग्वाल बालों के साथ आगे चले गए। अष्टपूर्वा ब्रजभेषम अद्भुतम महामनोज्ञम मुरली मुरलीर मुरलीरवान्तिवम यदानुभूत स्नेहभरेण देविकी तदेव वृद्धापि अजनी अजनी स्मृतस्तनीय। जैसे देवकी ने उनको देखा पहली बार तो देखा कि कृष्ण कितनी सुंदरता से ब्रज के लिए उन्होंने ड्रेस पहनी है और किस प्रकार से अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। देवकी माता के स्तनों से दूध निकलने लगा उस प्रेम में। हालांकि वो अभी कृष्ण तो उतने यंग नहीं थे। कृष्ण का अपने भक्तों के प्रति विशेष आनंद था, जैसा कि पहले कई श्लोकों में बताया गया। भगवान की यही महानता है। कृष्ण के डिवोटी का, कृष्ण के भक्तों का अपने भगवान के प्रति अतुलनीय स्नेह है, जिसको हर कोई अपने अपने तरीके से बताता है। रुक्मणी जामवंत्याद्य पुराणोत्थेन करहिचित् महाप्रेम्णा कथा मोहम धैर्य हान्या पतंक्षितो। रुक्मणी जामवंती और दूसरी जो रानियां थी इस चीज से भ्रमित हो गई वो। उन्होंने ऐसा प्रेम कभी देखा नहीं है जैसा कृष्ण बता रहे। वो अपना धैर्य खो बैठी, मूर्छित हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़ी। तात्पर्य कृष्ण की जो रानियां थी बहुत भद्र महिलाएं थी, जेंटल लेडीज थी। बहुत ध्यान पूर्वक थी कि पब्लिक में किस प्रकार का व्यवहार करना। और उस समय कृष्ण के प्रति जो उनका आकर्षण था, उन्होंने उनकी गंभीरता को खत्म कर दिया, नीचे गिर गई। वे इस बात की अभ्यस्त थी कृष्ण को देख के, इस प्रकार के प्रिंस के लेप में देख के। वो तो कृष्ण को राजकुमार देख के देखती थी, लेकिन इस बार ग्वाल बाला देख के बहुत उनको प्रसन्नता हुई। अब अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और अपनी बाहरी चेतना को भी प्राप्त नहीं कर पाई। वृद्धा च मत्ता सशक्ति भामया काम से वेगा अनुकूर्वती मो आलिंगनम चम मनमपि यद्वा रत्रम हरिं बाहु युगम पराशर। जो पद्मावती बूढ़ी थी वो भी जो मोहित हो गई, वो भी काम से प्रभावित हो गई। और सत्यभामा कृष्ण को आलिंगन करने के लिए और उनको चुंबन करने के लिए उनके पीछे पीछे भागी, अपनी भुजाओं को फैला के उनको पकड़ने का प्रयास कर रही। पुरा तदर्थानुभवादिवासो कथमिंचादि सुतावलंब्य शमं समं प्राग वरोत्वेन बलाव कालिंदी जो सूर्य की पुत्री है, उन्होंने कृष्ण को ऐसा भी देखा है। वो बहुत बुद्धिमान थी। उन्होंने कालिंदी ने अपने आप को थोड़ा शांत किया।
उसने और उद्धव ने सत्यभामा को पकड़ा और पद्मावती को पीछे खींचा। तात्पर्य में कालिंदी जो है द्वारका में और रिवर वृंदावन यमुना में एक ही है। इस प्रकार से कालिंदी द्वारका की दूसरी रानी के साथ में, द्वारका के सारे यमुना में खाली कालिंदी जो थी वो ही कृष्ण को अच्छी तरह जानती थी उनके ग्वाल बाल के दिन। ये भारी कारण है कि कालिंदी इस सिचुएशन में, इस स्थिति में अपने आप को धैर्य क्यों रख पाई, पर उसको भी इस चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा अपने आप को धैर्य रखने के लिए ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी का प्लान था कि कृष्ण जो है फिर से वृंदावन नहीं चले। कालिंदी ने सत्यभामा को पकड़ लिया, उद्धव ने पद्मावती को पकड़ लिया। और इस प्रकार से गोविंद देवस्त्वनुचरायन गा गतः पुरस्तादुद्धिम निकृष निरीक्ष तम न मन्यमानो यमुनां प्रमोदति सखिन विहार्य समूच। इस बीच में गोविंद जो है वो कृष्ण तो आगे चलते गए गायों को चराने के लिए, अपने सामने उन्होंने समुद्र देखा, उन्होंने सोचा कि यमुना है और अपने मित्रों को बुलाया, बोला क्या चलो हम यमुना में खेलते हैं। तो सीन अभी फिर से कृष्ण के ऊपर आ गया। जो अरब सागर है द्वारका में, वो द्वारका को ऐसा घेरता है जैसे किले को घेरा हुआ। तो कृष्ण सोचने लगे उसी में कि ये यमुना रिवर। इस प्रकार से कृष्ण सब ग्वाल बालों को बुलाने लगे। तो ये बृहद भागवत अमृत में सारा आ रहा है, अभी द्वारका में ही सारी लीला चल रही है, नकली वृंदावन में जो ब्रह्मा जी ने बनाया था, जिससे कृष्ण भाग के असली वृंदावन में नहीं चले जाए। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं, जैसा हमने बताया था कि आज और हम इसको कल से फिर ये पूरी क्लास, 1 घंटे की क्लास कल से फिर शुरू करेंगे। आज भी इसको जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् बृहद भागवत अमृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् बृहद भागवत अमृत की जय। श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।